अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे वाह, लगता है भैया अब पहले से ज्यादा मालदार हो गए हैं। जमुनिया, ये हमारी मम्मी है बिंदु रॉय। मम्मी, ये जमुनिया है। नमस्कार। तुम खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना। हाँ हाँ। बहुत ही नरम है। एक मैडम जी, आपका हैप्पी बर्थडे है का? अरे नहीं नहीं, ये सब महंगा महंगा गिफ्ट ना हम तुम्हारे वास्ते लाया है, खरीद कर मॉल से। जमुनिया, हम खुद गए थे पटना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने के लिए। ये बनारसी साड़ी तुम्हारे लिए, चॉकलेट बच्चों के लिए, और ये सूट का पीस है ना तुम्हारे उनके लिए। मैडम जी, ये सारे गिफ्ट तो बड़ी हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन ये मेहरबानी हम पर का है? जमुनिया, ये मेहरबानी नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। और ये मोहब्बत का कारण का है? तुम तो जानती हो जमुनिया, तुम्हारे भैया हम पर जान छिड़कते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों की जोड़ी है जैसे किशन कन्हैया और रुक्मणी। एकदम सही कहे हैं मैडम जी, आप दोनों की जोड़ी तो चंदा और चकर जैसी है। लेकिन जमुनिया, लेकिन इस जोड़ी में ग्रहण लग गया है। हम नहीं समझे मैडम जी। बात यह है जमुनिया, कि बहुत सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम्हारे भैया को धक्का लगा है। और तुम तो जानती हो जमुनिया, कोई उन्हें फूल से भी मारे ना तो हमें पत्थर वाला दर्द होता है। जमुनिया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरी औरत अगर मिश्रा जी का अपमान करे ना तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी औरत मतलब रंजू भा? मेरा मतलब है वो रंजू। हाँ जमुनिया, हम उस दूसरी औरत के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। उसके परिवार में कौन है, क्या परेशानियां हैं, पैसे कहां से आते हैं, उनका घर कैसे चलता है, सब कुछ। बस इतनी सी बात, हम अभय परिचय करवा देते हैं पूरे फैमिली का। वो का है ना मैडम जी, कि हम ना हमारे खानदान में बहुत फेमस हैं, सब हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए कूदते रहते हैं। ये है हमारी परम पूज्य अम्मा, यानी कि आपकी सासू माँ शांति देवी, जानते हैं। और ये है रंजू भा। रंजू, और सबसे छोटी टिया ये है, उससे बड़ी मुस्कान, और ये है जो पहलवान जैसी दिखती है ना वो है बुलबुलिया, और ये सबसे बड़ी सालू। टिया और मुस्कान स्कूल जाते हैं और बुलबुलिया और सालू कॉलेज जाते हैं। मॉम, कौन है ये सर, जरा हम भी देखें। अरे ये तो हमारी कॉलेज में पढ़ती है, बहुत बार देखा इसे। लाकी पीती, हम बताता है, ईदा तुम्हारा बुआ है, जमुनिया बुआ। बुआ? वाह। अच्छा तो ये है आपके हीरा मोती। जुग जुग जियो मेरे भतीजो। हाय, नए नक्श बिल्कुल हम पर गए हैं, देखना आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे ये दोनों। मॉम, अभी लड़कियों की फोटो काहे देख रही हैं, क्या बात है? अरे मैडम जी, नहीं हम बताएंगे, ये फोटो वाली लड़की ना तुम्हारी बहन है। हाँ, सौतेली बहन शालू।
अब तुम बड़े हो या ये छोटे हैं, ये हमको नहीं पता। चुप हो जा जमुनिया। एक्चुअली ना मैं तुम दोनों को ये बात बताने ही वाले थे। मॉम, ये जो कह रही हो सच है? हमारी कोई सौतेली बहन भी है? अरे बहन नहीं, बहने। सालू के अलावा तीन ठो और हैं। अरे का मैडम जी, आप हमारे भतीजों को नहीं बताए गुड्डू भैया के दूसर का फैमिली के बारे में? What's going on, mom? और ये सब हो क्या रहा है इस घर में? पहले हमें ये बताया जाता है कि हमरी को दादी भी है जो पता नहीं किसी रंजू के घर पे रहती है, के बाद अचानक से हमरी बुआ सामने आ जाती है और अब हमारे बहने। इतना सरप्राइज तो हमें अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला जितना पिछले 48 घंटों में मिल गया। मॉम, आप हमें पूरा सच कब बताएंगी? और मॉम, अचानक से हमारी ये सौतेली फैमिली कहाँ से आ गई? मॉम कुछ बोली, कौन है ये सब? हे भगवान, जिस बात को हम आज तक तुम दोनों से छुपाते रहे वो आखिर सामने आ ही गई। सब गुरगोबर कर दिया। अरे हमको अभी बच्चा लोगों को कुछ नहीं बताना था, किंतु तुम बिना सोचे बिना समझे अपना मुंह खोल दिया। लेकिन मैडम जी की मम्मी जी, हम एक दिन ये कड़वा सच तो सामने आना ही था, आज ही। पर अब क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। सुनो, अभी लाली मेम साहब तुमसे बाद में बात करेगा। हाँ, तुम अभी जाओ। ठीक है, अभी हम जाते हैं। तुम सब जगह इतना बड़ा बैग लेके जाते हैं? वो क्या है ना मैडम जी की मम्मी जी, हम बड़े कूट हैं, तो जहाँ भी जाते हैं ना उधर हमको बहुत सारा गिफ्ट मिलता है, तो इस थैला हमको रखना पड़ता है। ए बुनिया, इसको हेल्प करो। जी, हम हेल्प कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत छुओ, हम कर लेंगे। सॉरी मॉम, हम दोनों आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम दोनों को पूरा हक है इस कड़वे सच को जानने का। और ये कड़वा सच ये है कि तुम्हारे पापा की और एक पत्नी है। और उसके बच्चे भी। डैड की दूसरी वाइफ, मतलब ये कब कैसे? ये सब जबरदस्ती के थोपे हुए रिश्ते हैं जो तुम्हारे पापा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में हमें भी कुछ नहीं पता था, जब पता चला तो हम पागल से हो गए थे। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ भूल गए, पर अब कुछ ऐसा हो गया है कि सारे जख्म फिर से हरे हो गए। मॉम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम दोनों डैड से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था मॉम। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारे पापा पहले भी हमारे साथ थे और आज भी। ये सारा किया धराया उस खटिया औरत का है, ये सारी चाल उस लालची औरत की है। पहले तो उसने मुंगेर के घर को हड़प कर लिया
और जब तुम्हारे पापा ने उस घर को छोड़कर हमारे पास मुजफ्फरपुर चले आए तो क्या मॉम? अब ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मॉम, कल आप और डैड उसी औरत के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, और अब वो लालची औरत मुंगेर छोड़कर मुजफ्फरपुर आ गई है अपनी बेटियों के साथ, और कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है तुम्हारे पापा से पैसे हथियाने का, कभी खुद के नाम पर, कभी बेटियों के नाम पर, कभी शादी के नाम पर। पर तुम्हारे पापा ने बाप का फर्ज निभाने के लिए अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता उसकी बेटी से तय करवाया। उनका एहसान मानने के बजाय वो माँ बेटियों ने मिलकर तुम्हारे पापा की बेइज्जती की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मॉम, हम दोनों ने पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखा। मॉम, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते पर आपको रोता हुआ नहीं देख सकते मॉम। मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं। तुम्हारी मॉम रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से। दो शादियां करने के बावजूद तुम्हारे पापा ने मुझे कभी दो रिश्तों के बीच नहीं झुलाया। हम तुम्हारे पापा पे भरोसा करते हैं पर उस लालची औरत पर नहीं, और हम वादा करते हैं उस औरत को उसके बच्चों के समेत तुम्हारे पापा से दूर नहीं कर दिया ना तो हमारा नाम भी ललिता नहीं, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। और मॉम, इस लड़ाई में आप अकेली नहीं है, हम दोनों भी आपके साथ हैं। ये तो गुल्लू है। दीदी, वो हमारे स्कूल फीस जमा करवाने की आज लास्ट डेट थी और स्कूल से नोटिस भी आ गया। हमने माँ से कहा था, माँ ने कहा था कि वर्मा जी के यहाँ से पेमेंट मिलते ही वो स्कूल फीस भर देंगी। मैं आज फिर जाके घर पे माँ से बात करूंगी। ए पगली, परेशान काहे होती हो? हम माँ से बात करेंगे ना, पैसा भी ले लेंगे और फीस भी जमा कर देंगे। हमारी कुश्ती कॉम्पिटिशन की फीस भी तो बाकी है, वो भी हम जमा करवा देंगे। चिंता काहे करती हो, चलो। तुम दोनों जाकर कॉलेज में एंजॉय करना ठीक से। मॉम, आप अपना ध्यान रखना, और ये फालतू का बात सोच सोच के ना खुद को परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा। मॉम, आज आप ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चली जाती? अच्छे से हेड मसाज कीजिए और सब कुछ भूल जाइए, या फिर मॉम मार्केट चले जाइए और ढेर सारी शॉपिंग कर लीजिए। ठीक है, समझ गए, अच्छा आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम इतनी कमजोर है कि ऐसी छोटी मोटी बातों से टूट जाए? नहीं मॉम, कभी। मॉम, आज कॉलेज में है ना, रंजू की बेटियों को तो हम देख लेंगे। हम दोनों आपके बेटे, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं उन्हें। ऑल द बेस्ट। चलो मॉम, फिर हम निकलते हैं। बाय। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। बाय मॉम। बाय। पिताजी बचपन में हमसे तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिए थे और तभी से हम तुम्हें अपना मान लिए थे।
जब मौका मिला तो जी भर के तुम्हें निहारने की कोशिश की और रिश्ता लेकर तुम्हारे घर तक पहुंच गए। लेकिन जो उस दिन हुआ उसके बाद हमारा मिलना मुश्किल है। अंतर जा रही हो, जमुनिया का कपड़े ले जाना ना भूलना। हमका याद है अम्मा जी। दादी आपका नाश्ता और ये रहा आपका टिफिन। ये क्या है? तेल घी तो है ही नहीं, अरे लगाया भी है। इससे अच्छा तो बाहर जाके घास फूस ही खा के आ जाएं। अम्मा जी डॉक्टर ने आपको मना किया ना ज्यादा घी तेल खाने से, अब परहेज ना ही रखेंगी तो फिर तबीयत खराब होगी ना। बहुरिया जमुना का कपड़ा जल्दी सिलवा देना, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मा जी, वर्मा जी का डिलीवरी करते ही सबसे पहले दीदी का काम निपटाएंगे। ठीक है हम देखते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, रंजू जी हैं घर पर? जी जी आइए जी। नमस्ते रंजू जी। गुप्ता जी आप यहाँ? वो हम पहले सेंटर ही गए थे लेकिन वहाँ पता चला कि आप नहीं हैं। तो सोचे चलो घर चलकर ही बात कर लेते हैं। और फिर आपके वर्कर्स लोग के सामने ऐसा बात करना ठीक भी नहीं लगता है ना। रंजू जी घर और सेंटर दोनों का किराया बाकी है। घर का तो समझे एक महीने का बाकी है लेकिन सेंटर, अरे सेंटर का तो दो महीना का बाकी है। गुप्ता जी वो वर्मा जी का कपड़ों का डिलीवरी करते ही ना जो भी पैसा आएगा सबसे पहले आपका किराया देंगे। रंजू जी हम समझते हैं, वो कहा है कि कभी आगे पीछे इधर उधर हो जाता है लेकिन कहा है कि आप तो जानती हैं कि हमारा घर आपके किराए से ही चलता है। अब किराए में अगर देर हुआ तो ना चाहते हुए भी हमें अपना घर और सेंटर किसी और को। नहीं 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 आप परेशान ना होइए, दो तीन दिन में हम आपका किराया दे देंगे। जी जी धन्यवाद। अरे बिटिया रानी आप लोग आ गए? चॉकलेट लाए थे हम लेकिन कहाँ। अच्छा अगली बार जरूर देंगे। हाँ जीती रहो जीती रहो। बुलबुल तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही हो? जाके तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। और फेंको हमरे गुडवा के मुंह पे वो लिफाफा, आ गई ना मुसीबत, अब कौन मदद करेगा? क्या ये आज आखिरी दिन है, डिलीवरी कैसे होगा? बुलाइए रंजू जी को। क्या हुआ वर्मा जी? रंजू जी ये आप हमसे पूछ रही हैं क्या हुआ? अगर ये काम आज खत्म नहीं हुआ ना तो हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, बता रहे हैं। अब काहे परेशान हो रहे हैं, अभी तो दिन बाकी है ना, शाम तक आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। हम भी दस जगह काम करवाते, ये काम किसी कीमत पर शाम तक खत्म होने वाला नहीं है। हमसे ही गलती हो गया जो इतना बड़ा ऑर्डर हम आपको दे दिए। अरे समय पे काम करके दे पाना आपके बस की बात नहीं है। आपने कोई गलती नहीं किया वर्मा जी, आप हमारी माँ पर भरोसा रखें। अगर वो कह रही हैं कि डिलीवरी टाइम पर होगी तो जरूर होगी, और वैसे भी आज पूरा दिन होने में अभी 15 घंटे बाकी हैं और अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट आज रात 12 बजे से पहले हमारा काम पूरा हो जाएगा, फिर आप अपनी डिलीवरी ले जा सकते हैं। ये तो अच्छा बता रही हैं आप। ये मुजफ्फरपुर है मैडम, यहाँ 12 बजे रात की कौन डिलीवरी लेने आएगा? वर्मा जी वही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी डिलीवरी कल सुबह ले जाएंगे और इस बीच हमें काफी वक्त मिल जाएगा काम पूरा करने के लिए। हाँ हाँ हम सब जानते हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक दिन 12 बजे रात को खत्म होता है,
20 साल से हैं धंधे में, चलिए देखते हैं 12 बजे तक। माँ ये रही जमुनिया बुआ के कपड़े, हम चलते हैं। दीदी अभी एग्रीमेंट वेग्रीमेंट वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आती, पर जैसे शालू ने वर्मा जी का मुंह बंद कराया ना, वो देखकर तो हम सबको मजा ही आ गया। वैसे दीदी शालू को ना बिगड़ी हुई बात बनाने का हुनर अभी से आ गया है। चलो बहनों काम बहुत है, अगर रात भर जागकर काम करना पड़े तो कौन कौन रुक सकता है। दीदी सब तैयार हैं, मैंने सबसे बात कर ली है। चलो बाबा गरीबनाथ का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। हाँ चलो। अभी तुम की सोचा है लाली, आगे खेल कैसे करेगा? दूरी बनाकर मम्मी। दूरी बना के? मैं रंजू और मिश्रा जी के बीच में इतना दूरी बना दूंगी कि वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं पाएंगे। मगर इसके लिए तो सौरत को अपना बच्चा लोगों को लेकर ये शहर छोड़ना पड़ेगा। वही तो करूंगी मम्मी, हम रंजू का जीना इतना हराम कर देंगे ना इस शहर में, इतनी तकलीफ देंगे ना कि उसे मुजफ्फरपुर छोड़कर जाना ही होगा अपनी बेटियों के साथ। बस अब हमें वो चाल सोचनी है मम्मी, कि जिस चाल के बाद रंजू को कुछ सोचने का मौका ही ना मिले।